हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कैसे बन सकते हैं, आपको ये क्या मुश्किल या हार्ड वर्किंग है फॉर इंटरव्यू देना या इसको जो पाना इस जॉब को। तो मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बना बोलूँगा, आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ देखते रहिए पूरा वीडियो, उसके बाद आप लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्राउंड स्टाफ बनना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ग्राउंड स्टाफ एक जो कि एयरलाइन में एक महत्वपूर्ण काम करता है, जो लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं उसके लिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल काम करना होता है ये जॉब है। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो इस जॉब के लिए आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको जो कि इस जॉब को मिलेगा, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा, कोई भी आपको इंटरव्यू कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम या कोई भी फीस आपको नहीं रहेगा इस जॉब को पाने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप पा सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं बहुत सारे इंडिया में डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरलाइन है, तो आप लोग उस एयरलाइन के ऑफिशियल पेज में आप लोगों को जाना होगा। आप लोग उस पेज में जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडिगो के जो ऑफिशियल करियर पेज है, आपको उस करियर पेज में आपको जाना होगा। इस तरह से बहुत सारे जो कि कंपनी है, आप लोग यहाँ पे इंडिया के जो कि मैं बात कर, इस तरह से बहुत सारे जो कंपनी है आपका डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंपनी जो कि एयरलाइन में है, आप लोग उसका कंपनी में जो कि जाना होगा करियर पेज में। उसके बाद आप जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे करियर ऑप्शन जो रहेगा उसको आपको ओपन करना है। वहाँ पे अगर कोई भी ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई होगा, रिसेंटली पोस्ट हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। दोस्तों, आप लोगों को इस तरह से अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग हर एक कंपनी के जो कि प्राइवेट हर एक कंपनी में एयरलाइन कंपनी में आप लोग वहां से करियर पेज में जाना होगा। उसके बाद आप लोगों को यहां पे उसका जो अगर कोई भी ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई हो रहा है तो आप ऑनलाइन उसके अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को उसका ऑफिशियल पेज में जाना होगा। उसके बाद आपको देखना होगा ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई भी वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर है भी, आप अप्लाई कर सकते हैं उस तरह। आपको पे जाना होगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा ग्रेजुएशन मास्ट कंप्लीट करना होगा आपके पास। तो दोस्तों, आपको जो कि कोई भी आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर आप कॉलेज इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे जस्ट आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। तो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन आप कंप्लीट किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसके बाद मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पाइस जेट जो कि डोमेस्टिक एयरलाइन फॉर इंडिया, यहाँ पे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको उसका जो ऑफिशियल जो ग्राउंड स्टाफ के अप्लाई के जो लिंक है, मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते उसका जो ईमेल आईडी है career@spicejet.com, आपको वहाँ पे जाके आपको CV जो है आपको अपलोड करना होगा। तो CV अपलोड करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा फॉर द इंटरव्यू डेट, आप लोग उस डेट में जाके इंटरव्यू दे सकते। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर एवरी एयरलाइन में, हर एक कंपनी के हर एक यहाँ पे बहुत सारे जो कि और भी एयरलाइन है जहाँ पे आप उसका फॉर्म है, फॉर अप्लाई के फॉर्म है, आप लोग वहाँ पे अप्लाई फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कि ईमेल आईडी से आपको CV अपलोड करना हो तो आपको इस ईमेल आईडी में आपका जो CV है आपको देना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एयरलाइन है, वहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोग के इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे को। थैंक यू फ्रेंड्स।